मरवाड़ा में बालू लदी हुई ट्रक एक्सीडेंट में चालक की मौत। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना क्षेत्र के सिंगिया बहरी मुख्य सड़क मार्ग SH 88 पर मरवाड़ा मुर्गा फार्म के निकट बालू लदी हुई ट्रक एक्सीडेंट होने से ट्रक चालक की मौत हो गई। उक्त मृतक चालक की पहचान नालंदा जिले के रही थाना क्षेत्र के बुररिया ग्राम के राजाराम यादव के पुत्र मंटू कुमार यादव के रूप में पहचान किया गया है। वहीं सिंगिया के थाना अध्यक्ष किसकांत मंडल ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया था। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को अपनी हिरासत में लेकर घटना के छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में बताया गया कि चालक मंटू कुमार ने बालू लेकर जा रहा था कि अचानक पीछे से आगे जा रहे ट्रक में जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे इसके ट्रक के आगे के भाग पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त हो गया था। उक्त चालक भी उसी में दब गया था। चालक का चीत्कार और ट्रक के ठोकर लगने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने चालक को घायल देखकर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जगह सड़क के किनारे रेलिंग लगाना, भारी वाहन को स्पीड गति को कम करना चलाने की मांग किया है। मौजूद हैं दोभैया सिंगिया प्रखंड के मोरवारा चौक पे बीती रात एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो। और दुर्घटना इस तरह से हुआ दोस्तों की दो ट्रकों की टक्कर हो गई और एक ट्रक की स्थिति इतनी खराब हो गई। दुर्घटना इतनी बड़ी थी और टक्कर इतनी जोरदार थी और टक्कर के बाद इतना आवाज हुआ कि आसपास के सब लोग डर गए। ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ है। और दोस्तों जब तक लोग दौड़ करके आए तो देखिए ट्रक की स्थिति किस तरह से हो गई कि ट्रक का पूरा अगला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चिपटा हो गया, छत पिछत हो गया, टूट करके बर्बाद हो गया। और ट्रक में सिर्फ एक ड्राइवर था, खलासी नहीं था। और ड्राइवर जो है ट्रक के स्टेयरिंग के साथ और कलपुर्जों के साथ उसका बॉडी फंस गया। और समझिए कि मरणासन स्थिति में किसी तरह से दूसरे ट्रक वाले सब उसको खींच करके निकाले और निकालते निकालते हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते मर गया, क्योंकि निकालते निकालते ही वो अधमरा हो गया था, मरने के कगार पे चला गया था। दोस्तों छोड़ दीजिए, अगर ट्रक दो कदम और आगे बढ़ जाता तो रात में 25 से 30 लोगों की जान चली जाती। और ट्रक का पहिया देखिए भैया, सीधा उन्हीं लोगों के घर के तरफ घुमा हुआ है। और सब लोग ही फूस के घर में सोते थे, लेकिन संजोग कहिए, खुशकिस्मती कहिए, ये कहिए कि आज रात में इन लोगों का जान नहीं जाना था तो ट्रक में ट्रक टकरा करके रोडवे पर रह गया और ड्राइवर मर गया। और ड्राइवर मरा है, बहुत दुख की बात है भैया कि किसी गरीब परिवार का चिराग मर गया। और देखिए यही लोग हैं बगल में सोए हुए थे घर में। की भले कितने बजे रात को हुआ था? 1 से 1.5 बजे रात में हुआ था। आप लोग सोए हुए थे? क्या सुनाई दिया, कैसे समझे? धमाका लगा, बहुत जोर से आवाज हुआ। आप लोग को क्या लगा, नींद में थे तो एक बार चौंके होंगे? हाँ, चौंक के उठे तो क्या क्या बाहर दौड़े आप लोग? बाहर दौड़ के देखे तो यहाँ क्या देखे बताइए बढ़िया से। चकनाचूर हो गया था, ड्राइवर तरफ रहा था, ड्राइवर का आवाज सुनाई दे रहा था आपको? क्या बोल रहा था वो? बचाओ 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 कर रहा था। हाँ माता जी, ड्राइवर की देख रहे माता जी? उतारिए बचाइए भैया। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद ड्राइवर का जान समझिए कि मरने वाला हो। आ उस समय में ड्राइवर बेचारा आवाज लगा रहा था कि बचाओ बचाओ। आ सोचिए भैया, शहर वहर में होता तो लोग नहीं निकलते, लेकिन गांव के ही गरीब लोग, महादलित लोग, मुसार लोग, ये लोग निकल करके आप लोग आए। निकल सब लोग आया? आप लोग आए तो क्या देखे माता जी? और ट्रक वाला सब मदद करे थे ना, हूँ और मदद में जुट लिए। आप लोग भी जुटे मदद में? क्या क्या कैसा सीन था उस समय में, क्या लग रहा था? बहुत भयानक था, दर्दनाक था क्या? अच्छा, जब ड्राइवर के जख्मी रहा, जब ओकरा निकाल लगे तो पूरा रहे शरीर के की स्थिति रहे? पूरा जान कमर थौआ भाग ले रहे, पिछता भाग ले रहे, जान कमर बर्बाद भाग ले रहे। बहुत बहुत दुखद स्थिति रहे। आ भैया, जो स्थिति ड्राइवर की हुई थी ना, आज जिस तरह से पूरा शरीर बर्बाद हो गया था, ऐसे समझिए कि जैसे ट्रक का अगला पार्ट थौआ हो गया, वैसे ही ड्राइवर का पूरा पैर और कमर थौआ हो गया। आ कमर हुआ तो भैया प्राइवेट पार्ट भी हुआ होगा, कहते हैं सबसे सेंसेटिव पार्ट होता है, थोड़ा चोट लगे तो मर जाओ। जिसका थौआ हो गया था क्या, कट गया, हाइड्रोसिन कट गया, हाइड्रोसिन कट गए,
और भैया ट्रक दुर्घटना हुई है मोरवारा चौक पे, इतना भीषण हुआ कि ड्राइवर का हाइड्रोसील तक कट गया था, ऐसा लोग बता रहे हैं। और ड्राइवर तरफ तरफ के मर गया, खलासी इसमें था नहीं, लेकिन स्थानीय लोग मदद किए और उसको कम से कम तड़पते हुए निकाले, हॉस्पिटल भेजने का प्रयास किए, लेकिन दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि उसको बचाया नहीं जा सका, मर गया बेचारा, मर गए माता जी। बहुत दुख में रहे, गानेत रहे माता, भैया ड्यूटी में ड्यूटी और ट्रक ड्राइवर की ड्यूटी जितनी कष्ट और जितनी चुनौतीपूर्ण होती है किसी की ड्यूटी नहीं होती है भैया। भैया ड्राइवर स्टेयरिंग पर बैठते ही अपनी जान को जोखिम में डाल करके कपन बांध के चलता है कि किस मोड़ पर इस तरह से उसका ड्राइवर लोग मर गए। तो पर्ची दिया नाम वाला, मुसहरों की हो जाती, महादलितों की हो जाती, क्योंकि कल किस्मत इनकी थी कि ये लोग बच गए, लेकिन अगली रात को ये लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसकी गारंटी नहीं। कहे कि भैया जो ट्रक चलता है इतनी स्पीड में आती है और यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग टाइप का थोड़ा सा घूमता है, और स्पीड में क्या होता है कि खतरा बना रहता है कि इन लोगों के घर में नहीं घुसता, डर बना रहता है कि कब घर में घुस जाए, डर रहेगा कि कितनी शिकायत देगी, डर बना रहता है, डर रहता है कि हम तो कार्य छुपा देंगे, क्या डर डरे रहते हैं आपको, तो सबसे पहले भैया इन लोगों के लिए स्पीड कम किया जाए इस सड़क पे, क्योंकि रात को इतना स्पीड में चलाता है कि मोटरसाइकिल साइकिल वाला हवा में उड़ जाए।